अचनाओ छबड़िया। नहीं, कहाँ से बढ़िया होगा बे, तुम्हारा बढ़िया है, तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुम हरामी लोग हो, छोटे लुल्ली वाले लेस्बियन हो तुम। भाई गॉड, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा इतना बढ़िया है ना और तुम अप्रिशिएट नहीं कर। मैं बता रहा हूँ, जब मैं 14 साल का था ना तो 28 साल वाले के पास बंदी होती थी। आज मैं 28 का हूँ, 14 साल वाले के पास बंदी है और तुम्हारा बढ़िया ही नहीं है पापी लोग। और मैं बता दूँ तुम्हारे पास क्यों नहीं होगी क्योंकि तुम हरामी हो, तुम विशाल हो। अच्छा तुम्हें नहीं पता विशाल कौन है? भाई जोक है बे, बहुत पुराना जोक है। तो बंदा पूछता है बंदी से, ए तूने विशाल के साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया? क्या बताऊं, क्योंकि उसका नाम ही सिर्फ विशाल था। घटिया जोक था, इसलिए नहीं करता मैं जोक, हरामियों। तो समझो तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार है कि जोक्स में भी बंदा बंदी होते हैं रियल लाइफ में नहीं हमारे। और मेरा मुश्किल नहीं है, मेरे को तो मिल जाती है, पर साली मिलती भी हरामी बंदी है मेरे को। मतलब एक मिली मेरे को, मुझे कहती मैं तुम्हारी सारी दुख बांटना चाहती हूँ। फिर क्या था, मैंने बता दिया अपना दुख। यार 2 लाख का लोन है, 1 लाख तू दे दे, 1 लाख मैं कर लेता हूँ। पता नहीं फिर से डीपी नहीं दिख रही यार उसकी तब से। बंद करो भाई, बंद करो, करो खुले में हगना बंद करो। हमारे लिए घटिया जोक था, बट तुम भी तो ऐसी चीज के चाहते हो, चाहती तुम ये चीज हो, घटिया घटिया घटिया। मतलब हरामी लोगों को ना घटिया चीजें पसंद आती हैं तुम ब्रो सेना नहीं, तुम हरामी सेना हो पक्का, हैंड्स फ्रूट। मतलब लास्ट फोटो डाली तो मैंने बोला था पिंकी कमेंट करो और तुमने किया चुनसी। आज फिर मैंने इंस्टा पे एक फोटो डाली और मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करने के लिए बोला। आज की फोटो भी कमेंट चंसी चंसी। अबे कौन बोला करने को आरामी साले। बाय गॉड, जो भी फालतू कमेंट कर रहे हैं ना तुम छोटी लुल्ली वाले हो, निकलो पहली फुर्सत में निकलो। कहाँ mainhugyaani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। इसरो बाय करो और बिग ब्रेन बनो, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन नहीं बनना। और वो बंदे जो मेरी पोस्ट पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं दुआ करता हूँ तुम्हें राखी सावंत जैसी बंदी मिले जो तुम्हारा जीना आराम कर दे। चुनसी सालो, सच में यार, एक तो लड़की निपट रही और लोग आते कमेंट में भाई मेरी कहानी का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। मेरी कहानी अधूरी ही सही लेकिन मजेदार है ट्रू स्टोरी ब्रो, जाओ चेक करो प्लेलिस्ट। अभी नहीं बे, थोड़ी देर बाद जाना, अभी निकलने के लिए बोला मैंने mainhugyaani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा सुना तुमने क्या हुआ? नहीं अरे तुम फिजिक्स नहीं पढ़ते क्या? सिसोदिया साहब का फिजिक्स पढ़ा तुमने? नहीं कोई भाई है ना शक्ति, शक्ति भाई आए बता के जाएगा। तो अभी क्या हुआ, एक इंटरव्यू वाले ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि गंदा पानी आया, तो उस पर सिसोदिया साहब ने कुछ जवाब दिया जो फिजिक्स से रिलेटेड था और क्या जवाब दिया सुनो। आप आते हैं पटपड़गंज इलाके के विधायक हैं, मैं मंडावली गांव गया था रिपोर्ट करने के लिए। सिर्फ गया था, एक गली में सिर्फ घुसा और लोग ऐसे दौड़ते हुए आए अपनी परेशानियों को लेकर, सब ने अपनी मोटर चलाई। उसी वक्त मेरे सामने में, हमारे पास रिकॉर्ड में, कैमरे पर रिकॉर्ड है, नल चलाया, उसमें से कीचड़ निकला। ये सुबह के हम 11 साढ़े 11 बजे रहते हाँ। तो जिस वक्त पानी आता है उस वक्त आप अपनी मोटर चलाएंगे, आपको पानी साफ मिलेगा। जिस वक्त पानी नहीं आता है उस वक्त आप मोटर चलाएंगे तो वहाँ जो आसपास की सप्लाई है पानी के में, जो पाइप्स में थोड़ा बहुत बीच में कचरा होता है, धूल नहीं सर बहुत, तो वो खिंचका बिल्कुल खिंचकाएगा मोटर को, तो सारा खींचेगी वो। आपका 1 किलो भी होगा, एक मैं ये नहीं कह रहा, पाइपलाइन है तो कचरा उसमें होगा, उसमें धूल होगी मानी, लेकिन एक हद तक कि कहाँ कचरा धूल मानी जा सकती है। लेकिन जब आप यकीन मानिए, जब आप सप्लाई समय के बाद चलाएंगे तो फिजिक्स कहती है कि वो उसमें कचरा खिंच के आएगा। अगर आप खाली पाइप से, मतलब जिसमें हाफ थोड़ा पानी रुका हुआ है, उसमें पानी की मोटर पाइप लेकर चला दीजिए तो वो जहाँ तक पाइप है वो पानी पाइप का खींच लेगा। उसके बाद पाइप का जो भी सप्लाई आगे है वो धूल मिट्टी होगी, वो धूल मिट्टी खींचेगा। जो आप पानी के चलाने के, जब पानी की सप्लाई है और पानी की सप्लाई का एक समय है, पानी की सप्लाई के समय पर चलाइए, उसका फ़ायदा आपको आगे के लिए भी मिलेगा। एक बार आपने डस्ट खींच ली, आपने कीचड़ खींच ली अपनी मोटर चला के, उसके बाद अगली बार जब पानी आएगा ना उसमें, तो फिर 10 मिनट पहले आपको लगेंगे वो कीचड़ साफ करने में। ये हमेशा हर दिन 10 मिनट पहले चला करके खुला छोड़ना है, फेंकना उतना पानी। अगर आप ये स्थिति ना हो तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल टेक्निकली फिजिक्स मतलब साइंटिफिकली संभव नहीं है। मतलब ये सुनने के बाद तो एससी वर्मा भी बोल पड़े मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं बस। फिर क्या था, नेट वाले पीछे पड़ गए कि सिसोदिया ने तूफान से बचने का तरीका निकाल लिया है। साइंटिस्ट सिसोदिया वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में से एक है। ये अच्छा था, ये फनी था। मतलब उनका दिमाग इतना तगड़ा है कि उन्होंने घर में ही ट्रेडमिल बनाना सिखा दिया लोगों को। मतलब अगले साल से ये दिल्ली के स्कूल में पढ़ा जाएगा, क्लीन वाटर थ्योरी बाय साइंटिस्ट सिसोदिया। सी अगर नथिंग पर्सनल सिसोदिया, सॉरी साइंटिस्ट सिसोदिया साहब देखो, अगर तुम चुतियाप करोगे तो मजा लेना ही लेना है। मैं तो तुझे सच में मैं सीरियसली ना स्मार्ट समझता था मैंने सिसोदिया को, क्योंकि उनकी बहुत सारे इंटरव्यू फॉलो करी। ये कहाँ से निकाल दिया, महंगा माल भूख के बैठे थे सुबह सुबह। अबे यार कुछ भी। बट ये महंगा माल फिर भी ठीक है। सुना बाकी देश में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 17 लोगों को बेल दे दी जो गुजरात दंगों में शामिल थे, मतलब नाम शामिल था उनका। जिन लोगों ने 33 मुस्लिम लोगों को जिंदा जला दिया था उन और लाइफ इम्प्रेजमेंट मिली हुई थी उनको, अब उनको बेल ग्रांट हो रही है। उन्हें मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जाएगा स्पिरिचुअल और क्या था, सोशल और स्पिरिचुअल सर्विस के लिए। क्या है ये, कौन सी सर्विस है जो लोगों की जान लेने के बाद बेल देने लायक हो जाती है? मतलब इधर आओ, ये ले पेट्रोल डाल जला। सर बहुत दिन हो गए सर, सोशल और स्पिरिचुअल सर्विस देने को तैयार हो सर, रिहा करो ना सर, बेल देते ना सर, जा बेल ले ले जा। मतलब बस कम्युनिटी सर्विस करने के लिए, फ्री का लेबर उठाने के लिए तो तिहाड़ खाली कर दो ना, रखा क्यों तिहाड़ को। और भाई साहब बीजेपी के लीडर्स, ओ मैं मजाक नहीं कर रहा, बीजेपी के एमपी ने एक्चुअली स्टेज पे ये बात बोली है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हमारे नेता ऐसी बात करते हैं और इनको सीट चाहिए, दिल्ली चाहिए इनको। पापी लोग, जिन्होंने गलत साइंस बताई ना मैं उनको देने को तैयार हूं, बट ऐसे वायलेंस सपोर्ट करने वालों को नहीं। टुकड़े टुकड़े गैंग, गोली मारो, मार डालो, मार पीट, बस मार पीट के आगे बढ़ते ही नहीं है। काम धंधा हिंदू मुस्लिम मार पीट बस, ये पे खाता हुआ इनकी पॉलिटिक्स। अभी अभी देखा तुमने क्या हुआ, अमित शाह के 7 एमपी जो थे बीजेपी के, वो गए दिल्ली के स्कूलों में और वीडियो शूट करके आए कि क्या बुरी हालत है। तो उनमें से गौतम गंभीर भी थे जलेबी खाते खाते। वो गए एक ऐसे स्कूल में जो अक्टूबर से बंद है, तोड़ने के आदेश चले हुए हैं, उसको रिकंस्ट्रक्शन के आदेश मिले हुए हैं। वहां के बच्चे वहां जाते भी नहीं पढ़ने के लिए, वो दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, बंद है, उसकी वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ज्यादा महंगा माल किसने फूका हुआ है, आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी वालों ने। जब भी इलेक्शन होता है ना, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग वापस आ जाता है, जबकि होम मिनिस्टर की तरफ से ही जवाब है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अभी जो सीन हो गया था, क्या नाम था उसका, सरजील इमाम पे कुछ सिडेशन का चार्जेस लगा हुआ है और उसने सरेंडर कर दिया, अरेस्ट भी कर लिया जब से ये हुआ। बट उससे पहले एक और चीज हुई थी दिल्ली में, जहां पे कुछ लोगों ने मास्क पहन के अटैक किया था, उनका अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये बाद में हुई, इनको अरेस्ट हो गया, बिहार से अरेस्ट करके ले आए, बट उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ। जो हमारे अगेंस्ट है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनल है, और हम पूरा देश जला देंगे, चलेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है ये, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या बात, ये तो अच्छा था, ये भी नहीं था। तुम छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, निकलो। mainhugyaani.com/shop लिंक इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अब बात करूंगा मैं अपने बारे में। क्यों? बाला देखी कल रात को मैंने, बाला आ रखी है हॉट स्टार पे। बहन चोद हॉट क्यों है ये तो आज तक समझ में नहीं आया। गांड में किसी ने सुतली बम डाला हुआ, फट गया वहां पे, हैं बुखार चढ़ा हुआ गांड पे, हॉट स्टार लौड़ा। 99 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन है उनका, 99 रुपए। भाई साहब एक क्वार्टर ले लेता, मैं कौन बोला, मैं नहीं बोला। पूरी वीडियो पूरी फिल्म है ना, लास्ट के 15 मिनट को छोड़ के मेरे को कोई सेंस नहीं बना, कुछ सेंस नहीं बना भाई साहब। मतलब डेस्परेशन ऐसी दिखाई ना भाई कि बालों की चाहत इतनी है कि कुछ भी कर सकते हैं, बट झांट के बाल नहीं लगाएंगे। छाती पे बाल है नहीं, झांट के बाल लगाने नहीं। तो भाई साहब आते हैं विग पे, वो विग देख के तुम बता सकते हो फेक विग है। फेक है, मतलब अगर तुम ना नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो ना, जो तुम्हारे गंजे दोस्त और विग लगाते हैं, तुम उन्हें देख के बता सकते हो वो विग है। यामी गौतम चूतिया, उसे दिखा ही नहीं, वो टिकटॉक बना रही है, बारिश में भीग रहे हैं। No, fuck that. मैं अंधी, देख मेरे को दिख नहीं रहा, अरे मैं अंधी, चल शादी कर लेते हैं। शादी के बाद यामी को पता चलता है इसके बाल नहीं, हैला टकला चूतिया। इस बात पे बंदे डिवोर्स फाइल कर देते, बंदे का नेचर कैसा, चूतिया कौन है। और मैं तुम्हें एक बात लिख के देने को तैयार हूं, बाल सिर्फ तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर तुम छोटी लुल्ली वाले हो, वरना तुम मेरे को एक रीजन दो बालों का काम क्या है। ये बस हवा बना रखा तुम लोगों ने सोसाइटी में। मेरे को आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसको बालों से प्रॉब्लम थी मेरे। मैं बता रहा हूं, अगर तुम लिटरली जा रहे हो ना, गंजेपन की दौर से निकल रहे हो, या मेरे से बुरी हालत में या मेरे से बेटर हालत में हो भी, तो मुझड़ा चमन देखो, वो एक्चुअली सोसाइटी की वैल्यूज को नॉर्मली दिखा रहा है। तुम क्या चूतिया फगा यार। मतलब ठीक है पैसे चाहिए थे और सोशल टॉपिक भी कवर करना था, तो भाई आधे घंटे की मूवी बना लेते, 15 मिनट में दिखा देते डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, 15 मिनट में। हाँ देखो मैं सेल्फ एक्सपेक्ट करता हूँ अपने आप को। भूमि एक्चुअली बहुत तगड़ी थी, भूमि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में थी और एक्चुअली उसने ही संभाला है पूरी फिल्म में अपने आप, पूरी फिल्म को एक्चुअली कहीं अगर मैं बोलूँ सही टर्म में एक्टिंग वाइज और प्रेजेंस जो उसका कैमरा प्रेजेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आयुष्मान खुराना मेरे को पूरा ऑफ लगा है। यामी गौतम तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे रोल पिक करते जहां पर उसका कोई काम ही नहीं होता। बस यामी ड्राइवर देना है, गोरी हो रहा है आ जाओ। अगर मैं सही बोलूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे मिसिंग लगा है वो है उनका कनेक्शन उस चीज से जिस चीज को वो फील ही नहीं कर पाए। एक फीलिंग होती है वो मैं कहीं से अटैच नहीं हुआ उस पर। और सेम गोज विद उजड़ा चमन। उजड़ा चमन में एक्चुअली वो चीज है, हाँ चलो ये तो ठीक है, हाँ ये तो रिलेटेबल है। वो फीलिंग ही मिसिंग थी क्योंकि बाल वाला कैरेक्टर कर रहा है, बाल वालों के साथ हैंग आउट कर रहा है, बाल वालों को इंटरव्यू दे रहा है मूवी से पहले। तुमने कहीं पे भी कोशिश ही नहीं करी फिल्म बचाने की, चूतिया मूवी वेंचर। किसी को चाहिए हॉटस्टार तो ले लो, मैं बस एक मूवी के लिए किया था, चलो बड़ा ये मेरे ओपिनियन है। फील फ्री टू लेट मी नो तुम्हें कैसी लगी वो मूवी। और टॉपिक था नहीं तो और पॉलिटिकल करते नहीं हम लोग, तो मजा तो दिलाना ही था ना, तो बाला पेल दिया। ये मैं बता रहा हूँ वो बाला देखने से अच्छा मैं हाउसफुल 4 का गाना सुन लेगा उतनी देर। बाला बाला शैतान का साला। चलो इसी नोट पे बोलेगा ये एपिसोड ही खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में और तुम लोगों से कल। तब तक के लिए पीस आउट। आज बात उसकी है कल बात तुझ पे भी आएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज का ज्ञान, घर में अपनों से उतना ही रूठो जितने में तुम्हारी बात और उनकी इज्जत दोनों बरकरार रहे। ट्रू स्टोरी ब्रो।